बच्चे जो है 19 साल के बच्चे जो है इस प्रोग्राम में भाग्यशाली का जी हाँ, आपने जो सवाल किया है ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें उम्र को 5 साल से 30 साल तक के बच्चों को रखा गया है और उसमें 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 5 साल से 12 साल सब जूनियर कैटेगरी है, उनका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। जूनियर कैटेगरी हमारा 12 से 18 है, 18 से अबव वाली जो 30 साल तक है वो सीनियर कैटेगरी है। तीनों कैटेगरी में अलग अलग चयन किया जाएगा और हर एज ग्रुप में जो सब जूनियर है, जूनियर और सीनियर में, इसमें भी 2 वर्ग बांटे गए हैं, फिल्म वर्ग है, नॉन फिल्म वर्ग है। फिल्म वर्ग में जिसको प्रतिभाग करना है वो फिल्मी गाने बॉलीवुड के गाएंगे, जिसको नॉन फिल्म में पार्टिसिपेट करना है वो प्राइवेट सॉन्ग हो गए, भजन हो गए, गज़ल हो गए और कुछ शास्त्रीय गीत हो सकते हैं। सर ऐसे में जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं, मतलब इतनी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वो साधन नहीं मिल पा रहा, उनके लिए क्या मतलब ये मंच किस तरह से मार्गदर्शन का काम? ये मंच ऐसे ही प्रतिभाओं के लिए बना है। पहली बात तो यहाँ पे जनपद जौनपुर में ये जो ऑडिशन वगैरह निःशुल्क हो रहा है, उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको फिनाले में बुलाया जाएगा और वहाँ पे भी उनका रुकने का खाने पीने का सारा प्रबंध किया जाएगा। और जो बच्चे वहाँ से भी सेलेक्ट होंगे उन बच्चों का आना जाना रुकना दिल्ली में और सारा अरेंजमेंट संगम क्लब ग्रुप कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। और ऐसी प्रतिभाएं जब आगे निकलती तो उनको छात्रवृत्ति भी संगम क्लब ग्रुप प्रोवाइड करती है और उन प्रतिभाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं और वो नए नए प्लेटफॉर्म से अपने जीवन को करियर को बेहतर करियर बनाते हैं। जी जी सर, एक सवाल ये आपसे मेरा ये था कि ये कार्यक्रम जो है जो आपका चल रहा है तो फाइनल कार्यक्रम कब होने वाला है, क्या पूरा डिटेल हमारे चैनल हमारे कब देखिए? अभी हमारे टोटल मतलब 5 चरणों में ऑडिशन होने हैं। अभी हमारा 14 मई को अभी जो हमारा ऑडिशन होगा प्रतियोगिता होगा ये मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज जौनपुर में है। फिर यहाँ से जो प्रतिभाएँ सेलेक्ट होंगी वो 4 जून को प्रभा करेंगी पूर्वांचल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में। फिर वहाँ से जो हमारे जो बेहतर सिंगर होंगे जो लगते हैं कि वो ऑल इंडिया लेवल पर जाने लायक हैं, उन बच्चों को फिर हम लोग ट्रेन करेंगे, उनको रिहर्सल पूरा करा करके ट्रेन करके उनको दिल्ली भेजेंगे। वो कार्यक्रम हमारा 13, 14, 15 जून को दिल्ली में है। 13 जून को ऑल इंडिया क्वार्टर फाइनल है, 14 को ऑल इंडिया सेमीफाइनल है और 15 जून को हमारा ग्रैंड फिनाले है जिसमें सोनू निगम जी आ रहे हैं और उन बच्चों को सुनेंगे, जजमेंट वो करेंगे। फाइनल वही हाँ दिल्ली वाला दिल्ली में 15 जून को। ये इस कार्यक्रम में हर जिले से बच्चे मतलब आ रहे हैं कहीं? हाँ, इस कार्यक्रम में देखिए पूर्वांचल में अभी ये सिर्फ जौनपुर में ही हो रहा है, क्योंकि चाहे हमारा पूर्वांचल चाहे बनारस मंडल में जितने शहर हो गए या अदर शहर भी हाँ सब इसमें आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। और जो लोग अदर जगह जो काबिल हैं वो बच्चे हाँ, जो है सेलेक्ट वो भी हो रहे हैं। जैसे भी हमारे लखनऊ में नहीं सेलेक्ट हुए और भी जैसे और भी हमारे गोंडा में ऑडिशन हुआ वहाँ से बच्चे नहीं हुए या बहुत लोगों को पता नहीं चल पाया ऑडिशन में, तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं यहाँ से। और हमारा जो फिनाले 4 जून को जो होगा उसमें हमारे 2 रीजन से भी बच्चे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, अयोध्या से गोरखपुर से। वहाँ पर ऑडिशन अभी होना है हमारा गोरखपुर अयोध्या में, वहाँ से जो सेलेक्ट होकर आएंगे और जौनपुर से जो सेलेक्ट हो रहे हैं 14 तारीख को 14 मई को, इन बच्चों के बीच में आपस में कंपटीशन होगा। सर सर एक सवाल, अगर बच्चे कैसे संपर्क कर सकते हैं, बच्चे इस कार्यक्रम में जो भागीदारी कर सकते हैं, किस बच्चे संपर्क कैसे कर सकते हैं? संपर्क करने के लिए देखिए प्रतिभाओं को जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको प्रतियोगिता के दिन ही आना है, उनको फॉर्म वहीं पर उपलब्ध होंगे, पंजीकरण उनका वहीं पर होगा, उनको साथ में आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लाना अनिवार्य है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाना अनिवार्य है, कहीं से कहीं और जाने जरूरत नहीं है कि फॉर्म को प्राप्त करना है, उसी दिन सब कुछ प्राप्त होगा। हमारे क्षेत्रीय जो कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर सलमान जी हैं जो कि बहुत मशहूर इनका है जिले के और इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो वो अगर कोई बच्चा उनके संपर्क में आना चाहता है तो उनसे बात कर सकता है, उनके नंबर कर सकता है, बात करके और जानकारी प्राप्त कर सकता है। जी जी आपको बता दें ये हमारे साथ थे कृष्णा पटेल जी, कृष्णा पटेल जी हैं संगम कला ग्रुप के ये आयोजक हैं। उन्होंने बताया है कि जो भी बच्चे हैं चाहे गरीब से भी बच्चे हैं जिसको कि बड़ा मंच नहीं मिलता है लेकिन हमारा ये जो है संस्था उसको जो है ऊँचाइयों